हेलो ऑल, वेलकम टू पीपल्स, माई सेल्फ मनमीत प्रेजेंटिंग मॉम्स डायरी टू यू। तो आज जो हम मॉम्स डायरी का चैप्टर खोलने जा रहे हैं, वो खोलने जा रहे हैं मंथली बजट से रिलेटेड। हर इंडियन फैमिली में या हर फैमिली में आई वुड से बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा एक्चुअल सैलरी रहता है उसके बेसिस पे हमें अपना पूरा मंथ चलाना पड़ता है, या जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको हमें कवर करना पड़ता है हमारे उस अमाउंट के अंदर। ट्राई कीजिए वो अमाउंट हमेशा जो लास्ट में आपके पास बच रहा है वो पॉजिटिव हो। तो वो हम सब आज देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए लग्जरीज हो सकती हैं वो आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, और जो मेरी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं वो मे बी आपकी लग्जरीज़ हो सकती हैं, या कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, एनीथिंग कैन हैपन। सो आप जो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक्चुअल सैलरी क्या है। अभी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 50K। अब ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब कैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये? मे बी आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है, मे बी आपकी इनकम इससे कम हो सकती है, मे बी आपकी अर्निंग कहीं और से हो सकती है। सो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी अर्निंग जितने भी पार्ट्स में उन सबको कलेक्ट कीजिए और क्या एवरेज आ रहा है वो निकालिए और आप उसे कंसिडर कीजिए। यहाँ पे मैं एक कंसिडर करी हूँ, अगर एक घर में इतनी प्यारी में भी मिला के या सिंगल पर्सन की, तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट। एंड हियर जो मैं बजट आपको बताऊंगी वो फैमिली फॉर फाइव बताऊंगी। सो अकॉर्डिंगली मैं हर चीज़ को इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। एंड सेकेंडली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है, लाइक किसी मंथ आपका कितना आ रहा है, किसी मंथ आपका कितना आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके लास्ट 3 मंथ्स की इनकम है, जो भी पिछले 3 महीने से आपकी इनकम आ रही है, आप उसका एवरेज निकालिए और देखिए क्या अमाउंट आ रहा है और आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो ये मैं आपको मंथली बजट बता रही हूँ वो मैं एक पॉइंट पर आपको बता रही हूँ, फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी। 50% होंगी जो हम कवर करेंगे अपनी सैलरी का हमारी नीड पे, 30% हमारी डिज़ायर्स पे, और 20% विल बी आर सेविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे बी अमाउंट या परसेंटेज लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बट ट्राई करते हैं इसी के अंदर रहने का। तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है मैं उन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करूँगी। ये नहीं कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी रियल लाइफ में फॉलो ही ना कर पाए। तो हम ट्राई करेंगे कि हम वही करें जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं हमारी नीड्स। सबसे बेसिक नीड्स कही जाती हैं जो है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। सो सबसे पहले आपको उनका ही ध्यान रखना है जो इंडियन फैमिलीज के अकॉर्डिंगली रहता है, फूड। इस फूड में जो कंसिडर करना है आपको, सब कुछ कंसिडर करना है, ग्रॉसरी, वेजीज, एवरीथिंग, जो आपके महीने का लग रहा है। सपोज करते हैं 15K हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ओके? उसके बाद आता है हमारे जो मंथ का एक्सपेंस, वो आता है मिल्क का। मिल्क डेफिनेटली हर घर में यूज़ होगा तो मिल्क का एक्सपेंस आएगा ही। ये मैं एक नॉर्मल जो फैमिली है उसके बजटिंग के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। उसके बाद आप अपने बिल्स निकालिए, जो भी आपके बिल्स हैं, गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल, जो भी है वो सब कुछ कंसिडर करके आप उसे 5K के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। इससे अब ये आप पे डिपेंड करता है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपके हाथ में है, आप इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। गैस का
अकॉर्डिंगली यूज़ कीजिए कि आपके बिल्स आपके कंट्रोल में रहें। फोर्थ है आपकी EMIs। अगर आपने कोई लोन लिया है, आप कोई मॉर्टेज पे हैं या आपने किसी घर के लिए लोन लिया है, तो आप EMI अकॉर्डिंगली अपनी डिसाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन में भी, बट मैंने यहाँ पे एक 5K रफ एस्टिमेट लिया है। उसके बाद है आपकी किड्स की एक्टिविटीज़, आपकी किड्स की फीस। इसको मैंने 2K कंसिडर किया है। बहुत बार ऐसा रहता है जो किड्स की फीस रहती हैं वो मोस्टली आजकल मैं देखती हूँ क्वार्टरली या ईयरली जाती हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंगली इन्हें डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने किड्स को किसी एक्टिविटी क्लास में डाला है, उसका फीस वगैरह जो भी रहेगा, आप इस अमाउंट को अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ रहती है आपका जो घर में है, फूड, मिल्क, बिल्स, EMIs, किड्स फीस, और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और जो हमारी नीड्स होती हैं। अब फूड हो गया है और आता है शेल्टर। अब शेल्टर में अगर आप रेंट पे करते हैं या कुछ भी ऐसा पे करते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गो फॉर, सपोज आपका 5K जा रहा है, मे बी ये सब EMI मिला के आपका 10K जाता हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन की सैलरी पे कि कैसा हो रहा है, तो मैं एक रफ अमाउंट ले रही हूँ। उसके बाद अगर आप कोई मेड रखे हैं या कोई आपका डोमेस्टिक हेल्प है, हेल्पर है, उसका सैलरी सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इस पॉइंट को निकालना, क्योंकि इट्स वेरी कंपल्सरी, क्योंकि जब आप किसी का सैलरी देंगे तभी उसके घर का मंथली बजट बनेगा। तो डू ट्राई टू गिव ऑल दिस थिंग्स। सो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप उनका सैलरी अलग से एक एनवेलप में निकाल के रख दें कि आगे ना उनको प्रॉब्लम हो ना आपको प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये आपको कवर करना ही पड़ेगा। और यहीं पे मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, मे बी कभी बच्चे के स्कूल में कुछ चाहिए या आपको ही कुछ चाहिए या कहीं पे कुछ भी चाहिए होता है, तो आप अदर्स में करके $1500 मांगिए ही। एंड डेफिनेटली ये होता ही है, फैमिली में हम सोचते हैं इस महीने हम नहीं करेंगे, मे बी हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, एंड हम कभी कभी नहीं नो कह सकते हैं उस इंसान को। वो इंसान कभी कभी बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, मे बी वो हमारी वाइफ हो सकती हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं या हमारे हस्बैंड ही हो सकते हैं। तो जब हम नहीं नो कह सकते तो हम उन अदर्स में इन चीज़ों को कंसिडर डेफिनेटली करेंगे। तो ये है कुछ हमारी बेसिक नीड्स जो हमें डेफिनेटली 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 पूरी करनी ही पड़ेंगी। अब पढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा डिज़ायर पार्ट। अब डिज़ायर पार्ट में जो कंसिडर होगा, डिज़ायर पार्ट में ये कंसिडर होगा जो हमारी चाहते हैं, जो हम पूरी करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पूरी कर सकते। मे बी किसी की डिज़ायर्स किसी की प्रायोरिटी भी हो सकती हैं या वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो वो डिपेंड है डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन। सो हम इस पे ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज़ डिज़ायर्स में कुछ भी हो सकता है, डिज़ायर में जो रह सकती है आपकी कोई भी ऐसी चीज़ रह सकती है लाइक डिनर्स, आउटिंग, कुछ भी। मोस्टली आजकल मैं देखती हूँ कि फैमिलीज़ में ये होता है, वीकेंड्स ऑफ है तो डेफिनेटली फैमिली ट्राई करती है कि हम टाइम स्पेंड करें, तो डिनर और आउटिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो जाता है और डिनर और आउटिंग भी हो जाता है। तो आजकल 2K तो कहीं नहीं गया इफ़ यू आर गोइंग फॉर डिनर एंड आउटिंग, मे बी ज़्यादा भी लगता हो, बट डिपेंड करता है। मैं अगेन आपसे बोल रही हूँ पर्सन टू पर्सन, पर्सन की डिज़ायर्स पे, पर्सन की आउटिंग्स पे एंड डेफिनेटली आपकी इनकम पे। मैं इस रेशियो के अंदर बना रही हूँ बजटिंग, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ।
मे बी कुछ लोग ऐसे भी हों जो इससे भी कम कमाते हों और वो उसमें भी घर चलाते हों, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही अमाउंट रखना है, मैं एक नॉर्मल एक अलग अमाउंट आपको सिर्फ बता रही हूँ। अब उसके बाद आपकी कुछ भी डिज़ायर हो सकती है, कार लेना, घर लेना, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कीजिए। एक साथ लोन लेके उसकी ईएमआई चुकाने से बेटर है कुछ अमाउंट, कुछ तो डाउन पेमेंट अमाउंट या कुछ अमाउंट आपको जोड़ के रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ कि मैं 2K अपना जोड़ के रख रही हूँ इसके लिए। फिर उसके बाद आपकी मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट रखिए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो आएंगे वो मेरे सेविंग में आएंगे। नहीं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स को कंसिडर कर रही हूँ, तो डेफिनेटली फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स में बच्चे भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे। किसी महीने कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है मेडिसिन के लिए या कुछ, तो आप उस पॉइंट पे भी ये कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पे मेडिसिन कॉलम नहीं जोड़ा है, मे बी अगर कोई मेडिकेशन पे है आपके घर में तो आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये जो अदर्स लिखा है आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं, या इनमें से कोई चीज़ जो आपको नहीं आपकी ब्लॉक में आ रही है तो आप उसमें उस मेडिसिन पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये हैं आपके डिज़ायर्स, और इस पॉइंट को जो है मेडिकल एक्सपेंसेस से मत भूलिए, इसे आप अपने डिज़ायर में भी रखिए, इसे आप अपने नीड्स में भी रखिए, क्योंकि अगर बच गए ये पैसे तो डेफिनेटली आपके अगले महीने के लिए बहुत काम आएंगे, लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी आपका आपके पास ये होना। और अगर कोई अनप्लान ट्रिप आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। और मैं यहाँ पे कहूँगी डिज़ायर पार्ट में आप कुछ अनप्लान्ड ट्रिप्स के लिए भी सोचिए, बिकॉज अगर हम फैमिली में रहते हैं हमें नहीं पता किस समय कहाँ पे क्या अनसर्टिनिटी हो जाए, सो आप डू हर मंथ थोड़ा 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 कुछ सेव कीजिए इस चीज़ के लिए कि एक साथ आप पे हैवी ना पड़े। अब पढ़ते हैं हमारी सेविंग पार्ट पे। सेविंग पार्ट में आप ट्राई कीजिए टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आपको इजी पड़ता है, बिकॉज हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए रेनी डे के लिए। कभी भी आपकी लाइफ में वो रेनी डे आ सकता है और आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो हमेशा कुछ इंश्योरेंस या कुछ अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का ज़रूर सोचिए। सेकेंड है किड्स एजुकेशन। अब मैं यहाँ पे किड्स एजुकेशन को कंसिडर कर रही हूँ, या आप कुछ भी इधर कर सकते हैं किड्स से रिलेटेड, या जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। अब थर्ड थिंग है अनसर्टिनिटीज, कभी भी आ सकती हैं लाइफ में अनसर्टिनिटी, कुछ भी किसी भी महीने हो सकता है, आपको नहीं पता। आप अगर फैमिली में रह रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी आपको बोला आपके पास अनप्लान ट्रिप आ सकती है, आपके पास यहाँ भी आ सकती है, तो अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा अमाउंट रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, तो आपका सब कुछ बैलेंस रहेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। द ट्रू ट्राई टू कीप दिस। उसके बाद आपका जो सेविंग में आता है इंश्योरेंस पार्ट आता है, किड्स एजुकेशन आता है, अनसर्टिनिटी या अनप्लान ट्रिप्स आती हैं, या फिर उसके बाद आपका कुछ भी मिसलेनियस में आप सेव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जितना सेव करें उतना ही कम है। जो भी अमाउंट आप सेव करना चाहें, अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बजट कहाँ जा रहा है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 15 + 5 = 20 + 2 = 22 22 + 5 will be 20, 24, 25, 26, 27 27k + 2k will be 29k 29k + 5
will be 34k. 34k plus 3000 will be 34, 35, 36, 37. So that will be 37,000. So ये amount आ रहा है आपका 37,000 यहाँ पे. अब देखते हैं हमारी desires पे हम कितना spend करते हैं. हमारी desires पे जो हम spend कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 + 2, 4 + 15 will be your 55,000. और ये जो unplanned trips के लिए मैंने आपको कहा है definitely medic रखिए, तो ये आपका जाएगा 7K के अराउंड जाएगा. अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपका 15 वट एवर. ये मैंने एक रेशियो बनाया है, ये आपके अकॉर्डिंगली डिपेंड कर सकता है. इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी, एक मैंने रफ एस्टिमेट दिया था बट इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. सेविंग पार्ट आपका डिपेंड करता है. अब जो इंश्योरेंस प्लान लेते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली पे ऑफ करते हैं, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली होता है. तो चलिए देखते हैं कि हमारी नीड्स, डिज़ायर और सेविंग्स किस हद तक पूरी हुई हैं. अब कंसिडर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने एक्सपेंस किया है 37,000 अपनी नीड्स पे, 7,000 अपने डिज़ायर्स पे. तो 37 प्लस 7K आपका हो जाता है 37,000 प्लस 7,000 44,000. और जो आपके पास सेविंग बचता है ये सब करके 44 था, दैट इज 6,000. आई वुड से नॉट अ बैड अमाउंट, 6,000 आपके पास बच रहा है. तो आप अकॉर्डिंगली उसे कंसिडर कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स और सेविंग पार्ट. आपके पास 6,000 बच रहा है, जब तक ये पॉजिटिव में है तब तक आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं. बट अगर वो नंबर नेगेटिव में है जो आपके सेविंग में आ रहा है, या ये नंबर नेगेटिव में जा रहा है आपकी नीड्स में, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस. और इसके लिए आपको, अगर आप यहाँ पे बाहर का खाना में या आउटिंग्स में आपका ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को रिड्यूस आउट कर सकते हैं. आप घर पे खाना बनाइए, फूड भी हेल्दी रहेगा और सब अच्छा रहेगा. और जहाँ पे आप खर्चे रिड्यूस कर सकते हैं करिए, बिकॉज ये नंबर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए. ट्राई कीजिए नेगेटिव में ना आए, क्योंकि अगर ये नंबर नेगेटिव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी फुल प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ओके, सो आई वुड से कि आप इसे पॉजिटिव में रखिए. और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा मंथली बजट, तो आप इसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ. सेकेंड थिंग मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे EMIs की बात की हूँ, यहाँ पे मैं घर और कार की बात की हूँ डिज़ायर में, हमेशा जब भी आप ये ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्निंग है, तो हमेशा ये सोच के अर्न कीजिए. अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी सर्टेनिटी आ गई कि एक को जॉब छोड़नी पड़ गई, घर में बैठना पड़ा, तो क्या हम फुलफिल कर पाएंगे EMIs एंड एवरीथिंग उस पर्सन के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लान आउट करिए. और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी, हमेशा वुमेन को ज़रूर इंक्लूड कीजिए मंथली बजट को, बजट में. और वुमेन्स को इंक्लूड होना चाहिए मंथली बजट में. दे शुड बी अपडेटेड रिगार्डिंग व्हाट आर द एक्चुअल पार्ट विच दे आर रिसीविंग एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस, बिकॉज ये बहुत ही नेसेसरी है. तो आप लोगों को ज़रूर वुमेन्स इंक्लूड हो फाइनेंसेस में. अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप अपने हस्बैंड से पूछिए, अपने डैड से पूछिए. एंड डेफिनेटली अगर आप इंक्लूड होंगे, आप अपने हस्बैंड से इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, तो दे विल बी वेरी 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 हैप्पी. सो ट्राई कीजिए इस चीज़ को इंक्लूड करने का और हमेशा इस फिगर को पॉजिटिव रखने का कि, और ज़्यादा ही रखिए, कम मत रखिए, ठीक है. सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए. और ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.
और हम मेरे नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, और जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। हमेशा पॉजिटिविटी से अपना घर चलाइए, हैप्पीनेस से चलाइए, डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।